वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा स्ट्रेस होता है और कुछ लोग भी होते हैं जो एक मेरा स्ट्रेस होते हैं, लेकिन उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है एट द एंड। लेकिन स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए आपको फिट रहना भी बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, फिटनेस के लिए और इसके साथ साथ चूंकि हम वेट लॉस की भी आज बात करने वाले हैं, उसके लिए योगा से ऑथेंटिक कोई चीज़ होती है ये हमें पता है, लेकिन योगा खुद बहुत ऑथेंटिक है। इस हवाले से हम बात करेंगे हमारी योगा एक्सपर्ट सलाफे नकवी से। वेलकम टू द शो सलाफे, कैसी हैं? थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सलाफे, आज हम दो चीजों पे बात करने, मैंने कहा तो ठीक है ना, कुछ स्ट्रेस ज्यादा लोग भी होते हैं आपके। मैं बल्कि इसी चीज को चाहूंगी कि कंटिन्यू किया जाए, इसमें कोई शक नहीं। आपने पॉइंट असल में बहुत अच्छा रेज किया, कोई शक नहीं, ये मजाक नहीं। हम कई दफा कहते हैं ना, लोग स्ट्रेस होते हैं, टॉक्सिक लोगों से बचें, मैं ये कहती हूँ। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ से स्ट्रेस खत्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी इस तरह की होती है, जब आपके पास बैठेंगे आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपका राइट है कि आप चीज को चेंज कर दें। तो बहुत सारे लोग जो कई दफा बहुत ही नेगेटिव होते हैं या टॉक्सिक लोगों से, आपने सबसे पहले अपनी जान छुड़ानी है। तो इससे तो स्ट्रेस आपका तकरीबन, अगर जान छूट जाए तो खुश होना चाहिए, जान छूट जाए तो खुश होना चाहिए से अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं तो कहती हूँ ग्रेटिट्यूड की जिंदगी बड़ी जरूरी है। अच्छा, स्ट्रेस की कुछ हम टिप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये जो टॉक्सिक लोगों से जान छूटना या किसी भी ऐसी चीज से जान छूटना जो आपको लगे कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा उस पर असरअंदाज हो रहा था नेगेटिव वे में, तो आपको शुक्रगुजारी की जिंदगी सबसे पहले होनी चाहिए आपकी, ग्रेटिट्यूड। अब तो रिसर्च कहती है कि ग्रेटिट्यूड की जिनकी जिंदगी होती है, जो इस चीज को अपनाते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता चला जाता है, क्योंकि फिर ऐसे मौके बनते हैं जिस पर आप मजीद शुक्र अदा कर सकें। एक तो ये चीज है, जब भी आपको कभी स्ट्रेस होता है तो याद रखें, बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस में होते हैं बल्कि डिप्रेशन में, हमेशा ऐसे रखेंगे अपनी नजर, तो उसकी वजह से वो उस चीज को ज्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस चीज को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगी जो आपके अंदर चल रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा कि 45 डिग्री का जो एंगल देना है अपनी आंखों को एंड स्माइल, उस टाइम आपको फोर्सफुली स्माइल करना है। तो पहली टिप तो ये है कि जब भी आपको कभी स्ट्रेस होने लगे तो अपनी स्टेट को ब्रेक करें, जो आपकी मेंटल स्टेट उस टाइम चल रही है। एक्सरसाइज ऑब्वियसली हेल्प करती है, आप किसी भी आर्ट से आपका ताल्लुक हो, जो भी एक्सरसाइज आपकी शोल्डर ओपनिंग और जो भी एक्सरसाइज आपकी हार्ट ओपनिंग करती हैं, वो एक्सरसाइजेज इसमें काम आती हैं। आज कुछ चीजों में मैं ये भी बताऊंगी कि सेंसेस को आप किस तरह अपनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करेंगे सलाफे, तो स्ट्रेस के हवाले से आप क्या, कौन से आसन बताएंगे? स्ट्रेस के हवाले से सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी वो बैठकर होगा, वो होगा जब भी आपको कभी स्ट्रेस होता है, आपने देखा होगा ये चीज हमारी सबसे पहले स्टिफ होती है। अगर हम इसी एरिया पर फोकस कर लें तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी उस टाइम पर। हमें क्या करना होता है, अपने अपने हाथ यहाँ रखें और सोचो कि अपनी एल्बो से आप ड्रॉ करें सर्कल्स। तो आपने ये पूरा इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कह लो, या कह लो कि सामने, या बिल्कुल फिर उसके बाद इसको रिवर्स, यानी एक दफा जिस डायरेक्शन में किया उसके बाद उसे उल्टा आप इसको कर रहे हो। आपको फील होगा, बहुत सारे लोगों को जिनको सर्वाइकल का इश्यू भी होता है, डॉक्टर से बेशक आप पूछ लें, लेकिन ये होगा कि ये चीज जो स्टिफ हुई होती है वो आपकी रिलैक्स होने शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि जो आप कर रहे होते हो, जो यहाँ हो वही आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। एक तो ये चीज होगी, 45 डिग्री के एंगल की हमने चीज बताई। सेंसेस को बढ़ाने के लिए एक चीज बता देते हैं, विजुअल यानी कि देखना, ये एक तरह से गेम होगी, हम बड़े भी खेल सकते हैं और बच्चों के साथ भी खेली जा सकती है, ताकि आपकी सेंसेस इनहांस हो, जो स्ट्रेस की वजह से कई दफा आप फोकस आउट कर जाते हैं चीजों में से। होगा ये कि आप सामने बैठे हो, कोई भी, जिस तरह मैं और अरमला बैठे हुए हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई भी अपनी अपेयरेंस में चेंजिंग कर दें। पहले तो हम ये कहें कि एक दूसरे को जरा गौर से या एनवायरनमेंट को गौर से देख लो, देन क्लोज योर आईज, जब आप खोलो तो एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग हो, अगर मैं उसको सही से डिटेक्ट कर लूँ, हम पॉइंट्स रखें उस पर, डिटेक्ट सही से कर लूँ कि ये क्या हो रहा है या कोई चेंजिंग आई है, इसका मतलब मेरा फोकस भी ठीक है और मैं विजुअल भी हूँ। एक यानी कि आप मेकअप करके बगैर बैठे हैं, आप मेकअप, हाँ तो वो तो बड़ा वादा फर्क होता है लेकिन हम में नहीं होता। अच्छा, एक ये चीज, उसके बाद आता है ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब सुनने की जो आपकी हिस होती है, उसमें क्या होगा कि आप दो तीन लोग हैं जो भी, वो फिंगर को स्नैप करना, तो पहले आप देख लो कि किस किसने स्नैप किया, पहले सेंस कर लो कि अच्छा इसकी ऐसी आवाज थी, इसकी ऐसी आवाज थी, उसके बाद आंखें बंद करके कहो, सेंस करो कि ये कौन कर रहा है, उससे आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा। आपको पता भी चलेगा कि उसमें आप कितने तेज हो। फिर आती बारी टच की, किनेस्थेटिक, यहाँ आप जैसे कहते हैं टच कर सकते हो और उसको बताओ कि अच्छा ये मैं टच करो। अब बच्चों के साथ खेला जा सकता है, जो बच्चे स्ट्रेस में होते हैं उनको गेम में लगाएं, तो उनके साथ खेला जा सकता है कि आपकी मम्मा का टच है और ये आपके बाबा कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी आंखें बंद करवाएं, अब कहें कि फील करो कि ये कौन कर रहा है, आप देखेंगे अगर ये डे बाय डे आप उसके साथ करते जाओ, जो भी सेंस उसकी कमजोर आपको लग रहा है वो इनहेंस होती जाएगी, साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा या जो भी एडल्ट जिसके साथ हम ये गेम कर रहे हैं
हमें पता चल जाएगा कि उसकी कौन सी सेंस तेज और कौन सी पे काम होने वाला है। ठीक है, अब हम अपनी रवायती जगह पे हमेशा बिल्कुल आप चले अपनी रवायती जगह पर डिस्कशन। तो अच्छा सुलाफे, सबसे पहले तो हम मैं अनाउंस करती चलूँ जनाब, अगर आप सुलाफे से बात करना चाहते हैं, आज हम स्ट्रेस और वेट लॉस पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम है, कोई आप डिस्कशन करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप सुलाफे से बात कर सकते हैं। सुलाफे, वेट लॉस के लिए सबसे पहले आप क्या टिप बताएंगे? वेट लॉस के लिए साथ ही स्ट्रेस भी आपका रिलीज हो और वेट रिड्यूस भी हो, आसान सी चीज है, उसके अंदर आपको करना है। अगर आप में इतनी स्ट्रेचिंग नहीं भी है तो आपने क्या किया, जहां इजीली आप अपने पाओ को रख सकते हो या यहाँ, ये सबसे आसान होता है, आप अपनी नींद नीचे लगा लेते हो, ठीक है, फ्लोर पे है, अब यहाँ किया, अब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। एक तो ये कि मैं इसमें ये भी बहुत सारी चीजें बताती हूँ, मैं जिम में या अक्सर डिफरेंट जगह देखती रहती हूँ, ऐसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बता देंगे जिनका वेट ज्यादा होगा कि उन बेचारों के वैसे घुटनों में दर्द हो जाएगा, तो वो नहीं करना, आपने स्लो रहना है, पहले स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करें। अब ये चीज क्या होगी कि आपको एक तो स्ट्रेंथनिंग भी देगी और आपको टोनिंग, आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बॉडी टोन नहीं हो पा रही, तो टोनिंग भी आपको मिलेगी। अब इससे ये होगा कि आप जब आप स्ट्रेस में भी होते हैं, या आपको वेट रिडक्शन का भी स्ट्रेस होता है कि वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से मजीद वेट रिड्यूस नहीं होगा, तो अगर आप स्ट्रेस में भी हो और उस वजह से आपकी बॉडी स्टिफ है, तो आप ये स्ट्रेचेज अगर करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि आप जैसे ही फ्लेक्सिबल होते हैं और रिलैक्स होते हैं, तो मेंटली भी आपका जो माइंड है आपको मैसेज देगा कि हाँ अब आप रिलैक्स हो और कुछ कामनेस है आपके अंदर, वो होना बहुत जरूरी है। अब एक ही साथ ही हम ट्विस्ट भी बताएंगे, साथ ही वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बैठकर या खड़े होकर आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप बताएंगी, एक तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए और वेट लॉस के लिए, ठीक हो गया। अगर तो आप खड़े हैं तो आप अपनी आंखें खोल कर करेंगे ताकि आप कहीं पर अपना बैलेंस आउट ना करें, अगर आप बैठे हुए हो तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो। तो यहाँ आपने अपने हाथ रखे क्यों, आपको जब स्ट्रेस में होते हो तो कोशिश करें कि इस जगह पर फोकस करें, अपने जिसे हम एनर्जी सेंटर कहते हैं, हार्ट चक्रा को, यहाँ पे अपने हाथ रखा, इनहेल, अब आंखें इसलिए खुली हैं कि मैं खड़ी हुई हूं, इनहेल करते यहां गए, अभी तक आपने सांस लिया नहीं, ठीक, उसके बाद एक्सहेल, वो वापस अपनी जगह पर, कैन इनहेल एंड एक्सहेल 10-12 टाइम्स, जब आप इसको दोहराओगे, पहली चीज आपको ये फील होगी जो आपकी हार्ट बीट जो पेल्पिटेशन थी एंजाइटी की वजह से ये चीज हो रही थी, आपको फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है या होता है, फिर नेगेटिव थॉट्स आती हैं, एक तो वो चीज कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जब आप स्ट्रेच करते हैं साइड स्ट्रेच, तो इस एरिया का फैट जो है साथ ही साथ वो जाएगा। अब हम कई दफा आर्म्स की बात करते हैं कि आर्म्स की सबसे आसान एक्सरसाइज एक हम स्टार बताते हैं, वो स्ट्रेस भी रिलीज करेगी क्योंकि इसके अंदर आप ब्रीदिंग पर बहुत फोकस करते हैं। अपने हाथ सामने भी रख लिए, चाहे तो अगर आप इस पोजिशन में भी खड़े रहते हैं 1 मिनट तक, आपको यहाँ बर्निंग होना शुरू हो जाएगी अपने हाथ में, तो पहली चीज तो ये है। उसके बाद अपने हाथ को ऐसे रखना चाहे ऐसे रख सकते हो, रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर आपने रखा हुआ है देन उसी तरह इनहेल करते आप बिल्कुल जहां तक जा सकते हो जितनी स्ट्रेच आप में है, उसके बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों में इतनी स्ट्रेच नहीं होती, अगर इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते, बिगिनर है तो यही करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहां तक, देखो कि जहां आप जिस पोजिशन पे हो सिर्फ वहां से हिलना है आपको, थोड़ा सा मूव करना है। स्ट्रेस में सबसे ज्यादा आपको आपका माइंड यही कहता है कि आपने कुछ नहीं करना, आपको उसके खिलाफ जाना होता है, सबसे पहली चीज ये होती है, आप उसके खिलाफ जाओगे। अब आता है जो हम साइड एंगल जिसको बोलते हैं, साइड एंगल को हम इजी कर देंगे क्योंकि स्ट्रेस में कई दफा चीजों को करने का दिल भी नहीं करता, और अगर उसका स्ट्रेस का ताल्लुक आपके वेट लॉस से होना कि वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, और उस वजह से फिर आपको ज्यादा लगता है कि एक्सरसाइज मुश्किल है, आपने ये किया कि अपना जो पांव है उसको बिल्कुल ऐसी चीज में रखो पोजिशन में कि जहां आपको लगे कि आप गिरोगे नहीं, बैलेंस आउट नहीं होगा। यहां आपने अब सामने वाली जो नी है उसको थोड़ा सा बेंड किया, बेंड करने के बाद यहां हाथ रख ले, जो साइड एंगल होता है वो यहां हाथ होता है असल में, लेकिन अपनी आसानी के लिए आपने हाथ यहां रखा और सिर्फ ये चीज की। अब इसको परफॉर्म करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन सलाफे ये बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए होगा कि वो सिर्फ अपनी नी को होगा फ्लोर पे ले जाएंगे, ठीक है, जब फ्लोर पर ले जाएंगे इसको इस तरह से, और उसके बाद जहां उनका कंफर्ट लेवल है वहां तक जाएंगे, और हाथ भी यही रहेगा उनका फिर भी, क्यों, यहां तक जाने में स्ट्रेच चाहिए, और ये होगा कि मसल्स वगैरह पुल होना और ये चीज, तो उससे हम बचना चाहते हैं। जब अपना हाथ फिर भी यहाँ पर रखा, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं, और सेम वही चीज आपने इसको यहाँ कर दी, या इसको मजीद आसान बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी दोनों लेग्स पर आ जाना, यानी कि बिल्कुल उसको आपने फ्लोर पर लिया है और यहाँ हाथ रखा,
यहाँ हाथ रखने के बाद सलाफे आपने ये तकरीबन 30 सेकंड का होल्ड है, बट बिगिनर्स इसको 10 सेकंड से बढ़ाकर 15 तक करेंगे कुछ डेज तक, उसके बाद जब आदत हो जाएगी फिर 30 सेकंड तक लेकर जाएंगे, और एंड में आपको 1 मिनट तक का होल्ड इसमें करना है. एंड इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट, क्या आप कहें कि वेट बहुत ज्यादा मुझे लूज करना है, तो फिर आप 2 मिनट्स तक का होल्ड करेंगे इसके अंदर. थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट लगेगी ये चीज, लेकिन तब आपको फिर यहाँ देखिए स्ट्रेच भी होगा, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, और स्पेशली कई दफा बहुत सारी एक्सरसाइजेज में आपकी बैक टारगेट नहीं होती, तो वो टारगेट होगा. आप देखोगे कि ये अच्छा, आप सराफे हम स्ट्रेस को थोड़ा साइड पर रखते हैं और वेट लॉस की तरफ टोटली आते हैं. वेट लॉस के लिए बेली फैट कम करने के लिए आपके जिनकी थाइस पे बहुत ज्यादा होता है फैट या बाजुओं पे होता है उनके लिए ओवरऑल क्या एक्सरसाइज, उसके लिए जो सिंगल नी टक होता है वो आसान. अब बिगिनर्स के लिए ये होगा कि एक तो हमने जो बोर्ड पोज पहले बताया था उसको आप यहाँ रख दो, ठीक है, अपने हाथ यहाँ आपने रखे, बस यहाँ रखे हुए इससे क्या हो रहा है, एक तो आपके बाजू तो टारगेट होंगे अगर आपको लगता है कि यहाँ फैट ज्यादा है, बेली फैट आपका टारगेट होगा क्योंकि आप यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ स्ट्रेस आ रहा है तो यहाँ आप आ गए. अब सिंगल नी टक होता है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी बहुत, उसमें ये होगा कि लेग आपने बिल्कुल ये वाली स्ट्रेट रखी, पीछे गए एंड सिंगल नी, वो हम दोनों के साथ भी करते हैं, दोनों भी बताती हूँ. इसमें ये होगा कि सिर्फ आपने पीछे गए, यहाँ इसको कोशिश करना कि ये आपकी नी टच हो यहाँ पर, बिगिनर्स के लिए यहाँ आएगी सिर्फ. अगर आपके लिए आसान नहीं है और आप बिगिनर हो, आपने क्या करना, हाथ यहाँ रखें, पीछे गए, इसको यहाँ टच करेंगे. अब यही होगा कि इससे आपका जो बेली फैट है वो टारगेट होगा, और साथ ठीक हो गया. इसमें दोनों चीजें टारगेट होती है, बेली फैट एंड आपकी लोअर बॉडी. क्यों? क्योंकि आपके जो लेग्स हैं वो आपने रेज की हुई हैं, ठीक है. अब रेज करने के बाद आपने क्या करना है, आप सेम उसी तरह पीछे गए, समझे कि आप एक स्प्रिंग है जो कि वाकई है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होता है. अब आपने सेम ये चीज करते जाना है, इससे आपको खुद ही फील होगा कि आपको स्ट्रेस आएगा इस एरिया में और आपकी लोअर बॉडी में. एक चीज जो सबसे आसान होती है वो होती है साइकिलिंग, वो बच्चों को भी करवा सकते हैं, वो बिगिनर भी कर सकते हैं. इसमें ये होगा कि आपको दोनों साइड्स की रोटेशन करनी होगी, ये एक तो ये करते हो, जैसे ही आप इस चीज को करने लग जाए उसके बाद इसको चेंज कर दें. चेंज करने के बाद सेम ये 30 सेकंड के लिए आपने किया और 30 सेकंड के बाद सेकंड पोजिशन में आप आ जाओगे, यानी कि ये 1 और उसके बाद 2, 30 सेकंड, 1 मिनट तक कंप्लीट आप इसको करते रहोगे. जैसे आपको बर्निंग फील हो उसके बाद स्ट्रेच किया थोड़ा बहुत, स्ट्रेच करने के बाद रिलैक्स. अब एक चीज जो आपके बेली फैट को भी लेकर जाए और कंटिन्यूसली आपको ये लगेगा इसको करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होगा. ये आसन उसको हम कहते हैं बैक स्ट्रेच. बैक स्ट्रेच में होगा कि वो लोग जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया होता है, प्रॉब्लम आ रहा था, मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो वो चीज भी सही हो जाएगी. क्या कि आपने इनहेल एक्सहेल और सिर्फ इस पोजीशन में कुछ देर रहना है, इसमें ज्यादा आगे नहीं जाते. यहां आप इस पोजीशन में होल्ड किया हुआ आपने, अब यहां रहे. एक ये चीज और एक रशियन क्रंच, जो कि कोई भी चीज आप अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो वेट चाहे या वेट के बगैर. उसमें ये होगा कि अगर आप अपनी लेग्स रेज नहीं कर सकते, बिगिनर हैं, इसमें रहे सिर्फ अनकंफर्टेबल पोजिशन में जहां आप आए, या 45 डिग्री का एंगल कह सकते हैं. समझे कि आप वेट शिफ्ट कर रहे हैं, कोई चीज उठाई है और उसको यहाँ और यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने ये चीज करना शुरू कर दी. अगर खुद को चैलेंज करना चाहते हैं तो तब आपने अपनी लेग्स रेज की और फिर आप इस चीज को करोगे. यानी कि यहाँ पर आप बॉल पकड़ सकते हो, कुशन पकड़ सकते हो, घर पे कर रहे हैं तो कुशन पकड़ सकते हैं, जिम में है तो बॉल पकड़ सकते हो, जो मेडिसिन बॉल जिसे कहते हैं, वो चीज आपने होल्ड करके इसको करना शुरू कर दिया. आगे जो हम कहते हैं कि ट्विस्ट, ट्विस्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन ट्विस्ट से पहले माउंटेन, माउंटेन साथ ही इसकी दो वेरिएशन के साथ ही होता है. यानी कि सबसे पहली चीज ये होगी और इससे बेली फैट भी टारगेट होगा और आपके बाजू भी सही होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि टोन हो जाएंगे. इनहेल, यहां आपने होल्ड किया, अब यहां पर स्ट्रेस है आपके आर्म्स में. एक्सहेल, ठीक हो गया, सामने आ गए. सही सलाफे में साथ साथ कॉलर भी ले लेते हैं. हमें ज्वाइन किया है सना ने. सना अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम उर्मिला. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सना? मैं ठीक हूँ उर्मिला, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक. बहुत दिनों बाद कॉल किया आपने उर्मिला. मैं आपका, मेरे बेटे के 9th के एग्जाम है, वो उसके वक्त बहुत ज्यादा बिजी हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया. सना कुछ पूछना चाहेंगी इस इलाफे से? हाँ, मैं ये, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा मुझे ना पूछना है इनसे उर्मिला, मैं जब किचन में ज्यादा खड़ी होती हूँ ना, हाँ. तो मेरी कमर में ना पेन होने लग पड़ता ज्यादा, तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दूध नहीं पीती हैं, उसकी वजह से आपको कमजोरी से जो आपके बैक पे पेन होता है.
एक मुझे उसकी एक्सरसाइज बता दें, एक मुझे ना जहनी तौर पर मेरी परेशान रहती है, मतलब ये काम ठीक से नहीं हुआ, डस्टिंग ठीक से नहीं हुई है, सफाई ठीक से नहीं हुई है, ये टेंशन तो सना हर एक के दिमाग में चलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आई नो होता है कुछ खवातीन को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना, अभी आपको जवाब देते हैं। बाकी ये तो हर घर में होता है, लेकिन कुछ खवातीन जरूरत से ज्यादा सवार कर लेती है अपने सर पे कि सफाई नहीं हुई, मेड नहीं आई, ये मसला होता है कई दफा। तो क्या बताएंगे सलाह? सबसे पहले तो जहन को ये भी चीज बता देती हूँ, और साथ ही जो उन्होंने बैक को स्ट्रेंथनिंग के लिए वो चीज भी बताऊंगी। अब ये होगा कि जब आपको फील होता है आपकी थॉट्स बहुत ज्यादा आपको आ रही हैं और उनको शुक्र है रियलाइज करती हैं, वो चीज को सबसे बड़ी बात ही होती है। आप हीलिंग की तरफ तभी जाते हैं जब आप एक चीज को रियलाइज करते हैं। आपने क्या किया, सामने एक फोकस कर लिया एक डॉट को, इसमें कहते हैं या तो वॉच योर ब्रेथ, एक आवाज मुसलसल जो आ रही है उसको या तो सिर्फ सुनते रहे। वॉच योर ब्रेथ ये बिल्कुल उल्टा लफ्ज है कि ब्रीदिंग को आप देख रहे हो, एक तो उसको आप नोट कर रहे हो, दूसरा कोई भी चीज चाहे ये मूवमेंट है एक साथ कर रहे हो उस डॉट के बारे में सोचते हुए, बिल्कुल उसको फोकस करते जाए और उसके बारे में सोचते जाए। आप एक सेकंड भी शायद डॉट के बारे में नहीं सोच सकते, आपको सोच इधर उधर बिल्कुल ओवरलैप करेगी, तो आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना है। दूसरा, अगर इसको डिफिकल्ट बनाना है बिगिनर्स को, मैं ये नहीं कहूंगी यहां तक लिख ले जाए, आपको सिर्फ ये करना होगा यहां सिर्फ आराम से टच डाउन अगेन इनहेल एक्सहेल, और डॉट को आप मुसलसल देख रहे होंगे और उसके बारे में सोचो। जो बैक की प्रॉब्लम जो बैक है, बैक के लिए ये कर सकते हैं कि आपने पहली चीज तो रोटेशन, सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले रोटेशन जरूरी होगी बैक के लिए ये चीज की। इसमें दो चीजें मैं बताऊंगी इनके लिए जो बैक को स्ट्रेंथनिंग देगी। आपने रोटेट किया 10 times यहां पर, 10 times दूसरी साइड पे। आप क्या किया, यहां हाथ रखें या ऐसे रखने के बाद कोशिश करें थोड़ा सा इसको साइड और यहाँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, वो आना जरूरी है। ठीक है, आपने खिलाफ है। एक और कॉल अभी साथ में लेते हैं, मारिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मारिया क्या कहना चाहेंगी? ये मुझे सलाफिया से बात कर दी थी जी। सलाफिया से करें बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सलाफिया? ठीक, मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मुझे आपसे एक एक्सरसाइज पूछनी है इनफर्टिलिटी के बारे में, मुझे कुछ गाइड करें। जी नेट पर तो एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन अगर आप बता देंगी तो अच्छा होगा मेरे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मारिया, बहुत शुक्रिया। जल्दी से सलाफे में okay. मैं स्ट्रेंथनिंग भी फौरन से बता दूं और इनफर्टिलिटी के लिए जो बता रही है। स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ आप अपनी इस पोजिशन में आए, आपने लेग्स अपनी थोड़ी सी रेज करनी होगी या ऐसे रखो और यहाँ वेट नहीं आपका और बिल्कुल यहाँ ऊपर गए, इसमें होल्ड करने की कोशिश करनी। शुरू में आप यहाँ भी रहते हो दैट्स फाइन, लेकिन स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या स्टैंडर्ड कोबरा राइट। अब जहां बारी आती है इनफर्टिलिटी की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पोज होता है, एक तो फिश पोज होगा और एक बटरफ्लाई होगा। फिश पोज में आप ये करोगे, लेग्स बेशक इस तरह रखो, ट्राई टू डू दिस। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर सबसे आसान यह कि बटरफ्लाई परफॉर्म करने की आपको जरूरत है। इसमें होता है ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। आप बिल्कुल इस तरह इस पोजिशन में रहे, एंड बटरफ्लाई इसलिए कहते हैं, इसको पतंगासन भी कहते हैं, कि यानी कि आप बिल्कुल फ्लाई करते हो उसकी तरह से, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो रिलैक्स रहे, या जो हमने बैक स्ट्रेच बोली थी वो भी आपके हार्मोन्स को या जो इनफर्टिलिटी का इशू होता है उसको सॉल्व करता है। बाकी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर को भी चेक करवाएं, और इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे अभी सलाफे ने बटरफ्लाई पोज का, ये मुश्किल होगा थोड़ा सा अगर लेकिन आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके उन्हीं एरियाज को टारगेट करेगा जहां इशू होता है। और जो फिश पोज है वो वैसे भी स्पेशली फॉर फीमेल्स, उनको लड़कियों को मैं वैसे कहती हूँ, यंगस्टर जितनी भी स्टूडेंट्स उनको मैं जरूर करवाती हूँ, तो फिश पोज याद रखें, और ये जो बटरफ्लाई ये सबसे आसान है, इस चीज को करें। या एक हम उसको कहते हैं बिल्कुल आप बोर्ड की तरह होता है कि आप बिल्कुल पीछे गए, सामने आपने हाथ रखे और ये चीज कर रहे हो, ये तो ये आपको टारगेट करेगा उसी चीज को कि आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर सिस्टम, उसके बाद दूसरी साइड पे, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो जो इशू है इंशाल्लाह वो चीज अल्लाह ने चाहा तो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, सलाफे को मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? जिंदगी देखें सब गुजार देते हैं, और हमने गुजारनी नहीं है, हमने जिंदगी को जीना है और भरपूर जीना है। तो यही मैसेज है तमाम व्यूअर्स के लिए स्पेशली, कि जिंदगी को जिए और भरपूर जिए, और स्ट्रेस जहाँ हो उसे कैंसिल 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 3 times मेंटली। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सलाफे, बहुत शुक्रिया आपके आने का, इतनी जबरदस्त टिप्स बताने का। जनाब स्ट्रेस आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग हैं जो आपको देंगे, लेकिन आपने स्ट्रेस को डील कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप मेरे जैसे सुबह दिन के आगाज में कहा था शो आगाज करने से पहले कि पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दूसरों की खुशियों में अगर शामिल नहीं होना चाहते तो उनको
देखकर ही खुश हो जाए करें, कोई बात नहीं ऐसा होता है। आज से जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात जो होगी वो कल होगी। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, और इनके साथ का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।